पहाड़ों में हो रही है जबरदस्त बारिश, जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अनूप सेमवाल, टीरी गढ़वाल से। तो दोस्तों, अभी हूं मैं फकोट में, और फकोट में यहां 2-3 दिन से भयंकर बारिश हो रही है। NH 94 रोड भी पूर्ण रूप से बंद है। 2-3 दिन से गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है, ना टीरी से आ रही है ना ऋषिकेश से। तो सुनसान है रोड पड़ी हुई, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा है। तो हम भी लोग भी यहीं डटे हुए हैं, इधर उधर जाने का रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, तो भयंकर स्थिति हो रखी है। तो अभी हम यहीं जमे हुए हैं, जब मौसम साफ होगा तो अपने काम से फिर इधर उधर जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको यहाँ का मौसम क्या हाल है, यहाँ के वीडियो में बने रहें। तो यहाँ के मौसम के बुरे हाल है, और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और बारिश लगी हुई है। 3 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। अब हम सड़क की तरफ चलते हैं और देखते हैं रोड के क्या हाल है। बारिश बहुत हो रही है, तो अभी गली की दुकानें भी नहीं खुली, सब घर में हैं। और यह है NH 94 रोड, गंगोत्री राजमार्ग, और एक भी गाड़ी नहीं आ रही है ऋषिकेश से, और टीरी की तरफ से भी एक भी गाड़ी नहीं है। सुनसान हो रखी रोड 3 दिन से। अभी फकोट मार्केट भी नहीं खुला है, यहाँ पे अंकल जी की दुकान खुल गई। अंकल जी, बारिश बहुत हो रही है, बारिश जबरदस्त है, है ना, रोड नहीं खोल दिया आज, भयंकर स्थिति भाई, ना ना मुश्किल बता रहे। बारिश लगी हुई ना, कोहरा भी लगा हुआ, डर रहे ना लोग खोलने में भी। जैसे पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो यहाँ फकोट में भी यहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड का डर है। और ये देखो, ये पहाड़ी कभी भी खिसक सकती है, और यहाँ ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ा डर लगा रहता है यहाँ भी। और यहाँ हमारे कमरे हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ा डर लगा हुआ है पहाड़ों में रहने में। और बारिश का मौसम है, रोड सुनसान है, और कुत्ते घूम रहे ऑल वेदर रोड पे, मस्ती कर रहे हैं, खूब पूरी रोड खाली है। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ ज़ोरदार बारिश है। और अब मैं अपने कमरे से तैयार होके ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ, और वहाँ से भी दिखाता हूँ यहाँ का आसपास का इलाका कैसे बारिश हो रही है यहाँ। ये देखिए, अभी भी ज़ोरदार बारिश लगी हुई है। और यहाँ के मौसम का बुरा हाल है, और लगातार बारिश हो रही है। अभी मैं पहुंच चुका हूं विकासखंड के पास, और यहां भी देखिए यहां का नज़ारा कैसा है। मौसम साफ नहीं है बिल्कुल भी, कोहरा छाया हुआ, और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और एक बार यहाँ ऊपर बिल्डिंग की छत से दिखाता हूँ फकोट के आसपास का इलाका। और ये देखिए यहाँ का मौसम बिल्कुल अंधेरा है, दिन में भी रात है अभी। तो अभी मैं हूँ विकासखंड नरेंद्र नगर की बिल्डिंग की छत पे, और यहाँ से दिखाता हूँ फकोट का नज़ारा कि यहाँ कैसे कैसे बारिश हो रही, ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है सुबह से। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहाड़ों में तभी सफ़र करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो,
तभी सफ़र करें, वरना अपने घर में ही रहें, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। और इस साल तो उत्तराखंड में बहुत से लोग मर गए हैं, इसी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। तो दोस्तों अपने घर में ही बने रहें, जो जहाँ हैं वहीं रहें, जब मौसम साफ़ हो जाएगा उसके बाद यात्रा करें। तो ये देखिए फकोट का नज़ारा, बारिश लगी हुई, कोहरा भी छा रखा है, मौसम की स्थिति बहुत ख़राब है, ज़बरदस्त दो दिन से बारिश लगी हुई है और रोड भी सुनसान पड़ी हुई है, कोई आ रहा नहीं, कोई जा रहा नहीं, क्योंकि अभी साफ दिखेगा नहीं, कोहरा छा रखा है पूरा। ये देखे भाई यहाँ का नज़ारा, बिल्कुल अंधेरा है, बारिश हो रही है। आप तीर्थ की यात्रा ना करें, घूमने के पर्पज से ना आए पहाड़ों में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।